जब से तालिबानी हुकूमत ने अफगानिस्तान में अपने पैर जमाए हैं, तब से वहां बम धमाके होना आम सी बात हो गई है। हमें आए दिन इस देश से बम विस्फोट की खबरें सुनने को मिलती रहती है, और आज भी अफगानिस्तान की राजधानी में एक भयानक बम धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बड़ा बम धमाका हुआ है, जहां ये भयानक धमाका रूस के दूतावास के पास दारुल अमन रोड पर हुआ है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में 2 रूसी डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बम धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है, जिसके बाद रूसी एम्बेसी के पास सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। लोगों के बीच डर का माहौल है। जानकारी के मुताबिक एक फिदायीन हमलावर ने रूसी एम्बेसी के बाहर खुद को बम से उड़ा लिया। ब्लास्ट वहां हुआ जहां लोग वीजा के लिए इंतजार कर रहे थे। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार यानी जुम्मे की नमाज के दिन भी एक भीड़ भरी मस्जिद में भयानक और भीषण बम धमाका हुआ था, जहां इस धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 23 लोग घायल हो गए थे। धमाके के बाद का दृश्य काफी डरावना था। आपको बता दें कि रूसी एम्बेसी के पास हुए बम धमाके के बाद 72 घंटों के अंदर ब्लास्ट का एक दूसरा मामला है, जिसके बाद देखना होगा कि इस ब्लास्ट के बाद रूसी सरकार क्या बड़ा कदम उठाती है, क्योंकि इस बम धमाके में उनके 2 डिप्लोमेट की जान चली गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।